नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। गुरुवार को कोलारस से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ना केवल उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन अपने घर के ऊपर लगे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को भी उतार दिया और उसके स्थान पर तिरंगा झंडा लगा दिया। इस्तीफा देने के बाद रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री के ऊपर अमित शाह के कार्यक्रम के लिए सरपंचों से उगाही के भी आरोप लगाए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवंशी जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वो शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारे जा सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश में तीन तरह की भाजपाओं का जिक्र होता है। एक शिवराज भाजपा यानी शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों वाली भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा यानी जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए उन लोगों की भाजपा, और तीसरी नाराज भाजपा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी में आने से नाराज चल रहे हैं। रघुवंशी नाराज भाजपा से ही संबंध रखते हैं और इससे पहले और भी नाराज भाजपाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की मंशा साफ दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रघुवंशी के भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से ठीक पहले छोड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा, और सवाल ये भी है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भारतीय जनता पार्टी में पोजीशन है क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, और क्या आने वाले दिनों में और भी नाराज भाजपाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, और चौथा और अंतिम सवाल कि क्या जो आरोप रघुवंशी ने लगाए हैं उसमें कोई दम है या नहीं। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय जी। सबसे पहला सवाल तो आप, क्योंकि उसी इलाके से आते भी हैं, आपने ग्वालियर चंबल से संबंध रखते हैं, कि जो रघुवंशी जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी को आज छोड़ा है उनका कितना इम्पैक्ट वहाँ इलाके में है, क्या प्रभाव है, और उनके बीजेपी को छोड़ने से क्या वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स पर असर। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें हैं विधानसभा की जो इस संभाग से आती हैं, तो वो जो 34 सीटें हैं वो कांग्रेस ने 2018 में ज़्यादातर सीटें जीती थी और बीजेपी के हार का बड़ा कारण ग्वालियर चंबल संभाग बना था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जो कांग्रेस से टूट के भाजपाई हो गए, जो वो लोग जो है जाने के बाद स्थितियां जो वहां बीजेपी के पक्ष में हुई। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि एक तो ग्वालियर चंबल संभाग का खून, जिसकी अपनी एक चंबल की तासीर है, जो विख्यात है इस मामले में कि हाँ चंबल का आदमी मतलब थोड़ा सा दमदार है, दबंग है, तो उस इलाके में बीजेपी जो है पहले से है ताकतवर है, कोई कमजोर नहीं थी। कांग्रेस ताकतवर है, कोई कमजोर नहीं थी। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला धड़ा बीजेपी में चला गया तो वहां एक तो ये गए तो ये भाजपा ही नहीं थे, कांग्रेसी कल्चर्ड लोग गए हैं, ये कांग्रेसी लोग थे और वो भाजपा ही थे कट्टर, तो इनके बीच सामंजस्य तो वैसे भी नहीं बैठना था। तो इसलिए ये जो है दोनों के बीच जब ये गए तभी से सुगबुगाहट थी कि नहीं काम चलेगा, और फिर नाराज भाजपा और महाराज भाजपा वहाँ ऐसी चली कि ये जो है विधायक जो आज इस्तीफा दिए ये कोई पहले और अंतिम नहीं है, इससे पहले भी वहाँ कहानी हुई है। और अभी आप देखिए कि चुनाव होते होते तक, वोटिंग तक, वहाँ बड़े पैमाने पर इस तरह के बड़े नेताओं के कांग्रेस में जाने या भाजपा छोड़ के घर पे बैठ जाना, बहुत से कार्यकर्ता घर पे बैठे हुए हैं, निष्क्रिय हैं बीजेपी के साथ, मुसीबत ये है। तो बीजेपी के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे मैनेज कर सकते हो, तो इसलिए बीजेपी ज्यादा समस्याग्रस्त है कांग्रेस नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को आपके हिसाब से अभी थोड़ी दिक्कत वहां होती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा सवाल वीरेंद्र रघुवंशी से संबंधित है कि कोलारस से ये चुने हुए विधायक है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इनको शिवपुरी से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ के खिलाफ इनको उतारा जाए, तो इनका व्यक्तिगत वर्चस्व वहां क्या है।
देखिए को कितना डैमेज ये बीजेपी को कर सकता। देखिए इनकी अपनी सीट पे इनका प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस क्षेत्र के बीजेपी के बड़े नेता जो माने जाते हैं, जिनका जनाधार है, उसमें ये शामिल हैं। तो ये स्वाभाविक है कि इनके जाने से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान वहां होगा। अब सवाल ये है कि ये बुआ जी के खिलाफ चुनाव में लड़ते हैं, तो अब बुआ जी के खिलाफ अगर लड़ते हैं तो ये क्या इम्प्रेशन वहां इनका आएगा। तो अभी चुनाव चूंकि थोड़ा वक्त है और इनकी सीट बदलेगी अगर वहां से, तो ये स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कमजोर नहीं है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और बीजेपी से बहुत नाराज भाजपा के लोग कांग्रेस में जिस तरीके से गए और जा रहे हैं, तो शिवपुरी में फिर ये रघुवंशी जी एक बड़ा फैक्टर जो है तो मतलब बन जाएंगे। माहौल जो है वो शिवपुरी में बीजेपी से जो लोग वापस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले नहीं है, कई इससे पहले बैजनाथ यादव भी गए और भी लोग गए, तो ये एक जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में बनता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए वो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीजेपी के एक बड़े नेता मेरे आदरणीय, उन्होंने जब कर्नाटक का चुनाव परिणाम आ रहा था, उससे ठीक दो दिन पहले हम बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब जो है मध्य प्रदेश से पहले कर्नाटक में सब कुछ हुआ, उसकी जीरोक्स कॉपी मध्य प्रदेश में दोहराई गई, चाहे इस्तीफे हों, बाई इलेक्शन हो, सरकार पलट दी गई, ये सब। तो बोले कर्नाटक में चुनाव से पहले भाजपा ही जो है पार्टी छोड़ रहे थे दूसरी भाजपा की वजह से, तो बोले मध्य प्रदेश में भी यही होगा। तो इसलिए अगर कर्नाटक के परिणाम भाजपा के खिलाफ गए तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है, तो ये तो बीजेपी के लिए बात हो गई, लेकिन सिंधिया का क्या होगा? क्या सिंधिया की जो पोजीशन है उस पर भी कोई आंच आ सकती है? बिकॉज वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो तो सिंधिया की बदौलत ही बनी है, मतलब ये तो फैक्ट है, इसको कोई झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या उनकी पोजीशन कमजोर हो सकती है? देखिए सिंधिया की अपनी हैसियत अब उनके लोगों की वजह से है। अगर वो जो है 17 लोग उनके साथ नहीं गए होते, 18 लोग, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सीट जो लोकसभा का हारा हुआ व्यक्ति था, एक नेता था, तो उनकी ताकत उनके लोग हैं। जब उनके लोगों की ही टिकट कटेगी अगर, और जो एक की कट गई है गोवत की, जो उन्हीं का बंदा है, तो इस तरह से अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उस स्थिति में है कि वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं है, और बीजेपी जो है बहुत बेहतर तरीके से ऐसे लोगों को हैंडल करने में माहिर है। आप याद कीजिए कांग्रेस से भाजपा में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो मध्य प्रदेश स्तर पे, जितने भी नेता गए, आज उनकी बीजेपी में जो हैसियत है उससे ज्यादा बड़ी हैसियत आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आगे भी नहीं देखेंगे। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि ये जो आरोप, क्योंकि ये पार्टी छोड़ के गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो नाराज है वो आरोप तो लगाता ही है, लेकिन उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने अमित शाह का जो गृह मंत्री है उनका जब दौरा था उसके लिए उगाही वो कर रहे थे, कह रहे थे चढ़ावा है देना ही पड़ेगा, इन आरोपों में कितना दम लगता है? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है, वास्तविकता है, सच्चाई है, या ये हवा में लगाए गए आरोप? देखिए मैं अगर ये आरोप कांग्रेस ने लगाए होते तो ये माना जा सकता था कि विपक्षी दल है और उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन ये तो बीजेपी के अंदर से ही ये बात आई है ना, तो बीजेपी के अंदर से चूंकि बात आई है इसलिए ये बात गंभीर है। और इसको अगर आप जरा सी 30 सेकंड अगर बढ़ा दो तो मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा का राज है। शिवराज सिंह चौहान जी बोलते थे कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, इन्हीं 20 सालों में जो है स्टोर कीपर से लेके वॉचमैन तक जाने कितने लोग जो है आप देखिए करोड़ों का संपत्ति उनके पास पकड़ी गई। अब सरकार क्या कहती है कि देखो हमने पकड़े, लेकिन इन्हीं 20 सालों में वो लोग पले और बड़े हुए और इतनी दौलत उन्होंने इकट्ठी की। अब आप कहते हो कि पकड़े गए, तो पकड़े इसलिए गए क्योंकि उन्होंने दौलत इतनी ज्यादा इकट्ठी कर ली थी, शायद जहां उनको पहुंचाना था वहां नहीं पहुंची गई होगी, इसलिए पकड़े गए। तो इसलिए इनके विधायक का जो आरोप है वो जो है गंभीर लगता है। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि जो उन्होंने आरोप लगाए वो कितना स्टिक करते हैं, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का सीजन है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उन आरोपों के साथ लोगों के बीच ले जाती है और किस तरह का लोगों का रिएक्शन रहता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।